Hare
فلم يشهدوا كيتنا قرنا شكنا في دول عاشين سربتوا بمنتم فاشعبي قاندوا مريكشن سمنتا بيتكان لك جودي مكرمين وما كرم وَمَاسْيَ مِشْوَاسْيَ بَرَمْ لِلْعَالَمْ وَمَاسْيَ يَشَاشْ وَفَدَرْ بَدُوْتَ سَنَاكَ نَسْوَمْ قُرْهُ مَتُوْمِي أَنَا بِمَدْحَانْ جَمَنَنْ شفي سوريا ليتنا أشعامي بامديك هدى شبطن سوبي لزاوي سوبي لن أغنطن جاوك بديو جيب من كرمي بيابتن ويكي نبي شسك سروا إشتاك بوطنبوك ومبيان كبيرا نوكت كيانك جريكم مراتما عميق وانسور شمراء زنبي شجانك وذاك
गीता जी का पाठ दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 11 से 20 तक। वसुदेव सुतं देवं कंस चारुरमादनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्री भगवान वाच अशोच्यानशोचस्वादास्त भाषसे गतासो न गतासोश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः नत्वेवाहं जातु नाशं न चौने मे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सले वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ते धीरस्तत्र नमो
मात्रस्तर्षास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तांस्थितिक्षस्वभारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षव समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते तत् उभयोरभिदृष्टोऽन्त स्तनयोस्तत्त्वदर्शिनि अविनाशितु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति आन्तवान्तयिने देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणा अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्य स्वभारत येन वेत्ति हन्तारं यस्तैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भवितावान् भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भवितावान् भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे
यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 1252 अनुसार 24 जून 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम 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 अपना जीवन साधन मय होना चाहिए। 24 घंटा अपना साधन रहना चाहिए। साधन और अपना जीवन ये दोनों ही होना चाहिए। हम साधन करते हैं तो हम साधन साधन और साधन दो होते हैं। हम साधक हैं और साधन करते हैं। जो करते हैं उद्देश्य साधन है और जितने साधन नहीं करते वो साधक नहीं है, तो वास्तव में साधक नहीं है। साधक वही है जैसे हाथी पर साधन ही होता है। अपना जीवन साधन से रहित तो होता ही नहीं। केवल साधन ही जीवन है, जीवन ही साधन है। हमारी दिनचर्या रात्रि सब सब रात्रि चार दिन सब साधन में होनी चाहिए। जैसे लड़की का ब्याह हो जाता है तो ब्याह होने पर वो विवाहित ही मानी जाती है, कुमारी नहीं मानी जाती। ऐसे साधन जब शुरू होता है तो वो साधन ही होता, साधक ही होता है, असाधन नहीं रहता। तो ऐसा साधन होना चाहिए जो आठ पर स्वतः ही साधन हो। तो साधन करना नहीं है, साधन का होना है। करना होना है ये 3 स्टेज है। तो होना स्वतः होना चाहिए, करना होने में बदल जाए, हो रहा है साधन। जितना कर्तृत्व अभिमान ज्यादा होगा उतना साधन से दूर होगा, और कर्तृत्व अभिमान उसमें घटता चला जाएगा उतना साधन में एक हो जाएगा, और साधन ही रह जाएगा तो साध्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो साधक और साधन दो न रहे। देखो कोई भी दोष होता है वो दोष आ जाने से साधन में बाधा पड़ती है, परंतु दोष के साथ किसी का कभी अभिन्न संबंध नहीं हुआ। किसी दोषी के साथ दोष का संबंध है वो निरंतर नहीं रहता, सबके लिए नहीं रहता, सब समय नहीं रहता, सब जगह नहीं रहता। दोष के साथ एकता कभी मनुष्य की हो सकते नहीं, और गुण के साथ एकता होती है। जैसे दया है तो दया साथ में रहती है, परंतु क्रूरता हिंसा साथ में नहीं रहती। सब लिए सब जगह नहीं होती, सबके लिए नहीं होती, सब समय में नहीं होती। ऐसे ही असाधन है वो हरदम नहीं रहता, और साधन हरदम रहता है। सत्य बोलने वाला हरदम सत्य बोलता है, नहीं तो चुप रहने से सत्य बोलेगा। कभी भी असत्य बोलता है तो सत्य बोलना सिद्ध नहीं हुआ उसका, और असत्य के साथ संबंध सदा रहता ही नहीं। हरदम असत्य बोले ऐसा संभव ही नहीं है। सब समय असत्य बोले, सबके लिए असत्य बोले, अपने लिए भी असत्य बोले,
ऐसा संभव नहीं है। वो तो साधक का साधन के साथ अभिन्न संबंध है, असाधन के साथ अभिन्न संबंध नहीं है। तो असाधन कभी नहीं आना चाहिए। झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी जालसाजी दोष हिंसा आदि कभी नहीं आना चाहिए, तब साधक होता है। क्योंकि असाधन के साथ संबंध नित्य निरंतर रह सकता ही नहीं, संभव ही नहीं। और साधन के साथ नित्य निरंतर संबंध रहता है। मन अशुद्धि आगंतुक होती है, शुद्धि स्वाभाविक होती है। तो असद आचरण आगंतुक होता है और सदाचरण स्वाभाविक होता है। तो साधन स्वाभाविक होना चाहिए, सत्य ही स्वाभाविक ही। उसका खाना पीना सोना जगना बैठना उठना सब साधक का होना चाहिए। साधक कैसे करता वैसे होगा। असाधन कोई क्रिया नहीं होगी, कोई समय नहीं होगा। 24 घंटा साधन ही साधन हो तब उस साधन की सिद्धि होती है। असाधन रहते हैं, साधन करते हैं, तो सभी करते हैं। जितने मनुष्य है वो किसी का असाधन ज्यादा है, किसी का साधन ज्यादा है, किसी के सदगुण ज्यादा है, किसी के दुर्गुण ज्यादा है। पर दुर्गुण सदगुण सदाचार दुराचार दोनों साथ में रहते हुए साधक नहीं होता। साधक तो वही होता है जिसमें सदाचार सदगुण ही रहे, दुर्गुण दुराचार ना आवे। और कभी आ जाए तो वो सुहारा नहीं चाहिए। उसे हटाए बिना अपने कभी शांति संतोष नहीं होता। उसे हटाने से ही संतोष होता है। तो साधक होता है, उसको थोड़े भी वो सुहाता नहीं है असाधन। व्यास भाष्य में आया है कि साधक होता है वो चक्षु पात्र कल बनेगा, मानो आंख का पात्र आंख है वो। आंख में थोड़ा भी फूस सुहाता नहीं, भाई छोटा सा फूस है पड़ा रहे, बहुत छोटा फूस भी आंख में बड़ा खटखटा है। इस तरह से साधक के हृदय में थोड़ा भी असाधन होता है वो खटकता है, उसके निकाले बिना उसको संतोष नहीं होता। और अशोध असाधन के ही साथ में रखते हुए साधन करते हैं वो साधक नहीं होते। असली साधक वह है जिसको असाधन सुहाता ही नहीं, व्याकुल हो जाता है, उसे दूर करने के लिए तत्पर रहता है हर समय। तो साधक है तो सब काम उसे साधक के ही होते हैं। जैसे भगवान का भक्त है तो भगवान से अलग कैसे होगा वो, किसी क्षण भी भक्त नहीं है ऐसा नहीं हो सकता। सब समय भक्त होता है, सब क्रिया भक्त कर जैसे ही करता है वो। जो भक्त नहीं होता करता वैसी क्रिया उसकी नहीं होती। ऐसे जिज्ञासु होता है तो परमात्मा तत्व का जिज्ञासु हर समय रहता है। जिज्ञासु नहीं करे वो काम उसे नहीं होगा, कभी नहीं होगा। बात होगी मैं जिज्ञासु हूं, मैं ऐसा कैसे काम कर सकता हूँ। ऐसे योगी होता है वो योगी होता है, निष्काम होता तो अपना कर्तव्य हरदम करता है। सोना जगना बैठना उठना भी कर्तव्य होता है उसका, और कुछ मतलब ही नहीं है। तो साधक होते ही संसार से ऊंचा उठ जाता है, वो संसार ही नहीं रहता, वो भगवान के साथ उसका संबंध अखंड हो जाता है। ऐसे संबंध सबका भगवान के साथ है, मगर साथ साथ आश्रित संपत्ति का भी है। इसमें एक मार्मिक बात है कि जितने असाधन है वो अपने पैदा किए हुए हैं, क्योंकि स्वतः नहीं है असाधन। साधन स्वतः है और असाधन अपना बनाया हुआ है। इस वास्ते इसको दूर करना अपनी जिम्मेवारी है, इसको दूर करना उचित है। तो साधन करते उस समय प्रकट होता है। साधन करते उस समय दुर्गुण दुराचार प्रकट होता है। अब प्रकट होता नष्ट हो जाएगा। साधन करते हुए असाधन प्रकट होता है,
तो वो प्रकट होता है नष्ट होने के लिए, रहने के लिए नहीं। साधन करते असाधन प्रकट हो गए। जैसे गंदी नाली है उसको साफ करोगे पानी डालकर धर्म साफ करो तो दुर्गंधी फैलेगी, परंतु वो गंदी फैलती है वो दुर्गंधी आती नहीं है, वो जाती है। इस तरह से साधन करते हुए असाधन का भभका आता है, वो असाधन जा रहा है, साधन असाधन आ नहीं रहा है, वो निकलेगा। साधन करेगा तो असाधन निकल जाएगा, और वो थोड़ा भी आएगा तो सुहाएगा नहीं, बिना उसको निकाले चैन नहीं पड़ेगी। साधक होता है शरीर वो सुहाता नहीं, असाधन नहीं सुहाता। एक कविता आती है कि साध हराजी कापला रतियन मैं सुहाए, साकत काली कापल ही है भावे जहां बिछाए। साधु हजारी कापड़ा, हजार दो हजार कपड़ा होता है साफ सफेद, उसमें रतियन मैल, एक मैले की रेखा भी नहीं खटती, वो बड़ी बुरी लगती है। और जो साधन नहीं है वो काली कपड़ी चाहे बिछा दो तेल भर, तेल पाव भर तेल गिर जाए तो पता ही नहीं लगेगा, काली कपड़ी क्या पता लगे। तो ऐसे जो साधक नहीं है उसमें कितने अवगुण जाए तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस साधक होता है वो स्वच्छ निर्मल होता है, तो उसमें थोड़ा भी असाधन कटकता है वो बुरा लगता है, और वो सहलाता है तब तक साधक नहीं बनता। साधक होता है उसको सही नहीं होता, वो थोड़ा भी अवगुण एक अंश भी अवगुण का सही नहीं होता, सह नहीं सकता, तभी उसकी सिद्धि होती है। और असाधन को सहता रहे तो सिद्धि कैसे होगी। आप जब विचार करो कि जब तक साधन विरुद्ध आचरण उसके है जीवन में और उनको सह रहा है तो सिद्धि कैसे होगी। असाधन साथ रहेगा, और कहीं कहीं असाधन साधन से पुष्ट होता है। दोनों साथ रहने से असाधन साधक के जरिए पुष्ट होता है। साज बोलता है तो उसके जरिए झूठ बोलता रह जाता है, अच्छा आचरण करते तो बुरा आचरण साथ में रह जाता है, वो साधन की ओट में। कब तक, जब तक साधन को नहीं खटकता, साधु को खुद को वो जब नहीं खटकता है तब असाधन साधन की छाया में रहता है। ऊपर से तो साधन होता है और भीतर से असाधन पुष्ट होता है। ऊपर लोगों के देखने में तो साधन होता है, और भीतर से भोगे चाहे संग्रह की चाहे मान की चाहे बढ़ाई की चाहे आराम की चाहे, ये भीतर भीतर असाधन रहता है, तो असाधन पुष्ट होता रहता है। साधन की रक्षा में असाधन रहता है वो पुष्ट होता है, वो सिद्धि नहीं होने देता। असाधन की ही मुख्यता रहेगी वह, पर असली साधक होता है उसके भीतर असाधन खटकता है, सुहाता नहीं है, सही नहीं होता है, तो उसका असाधन हट जाएगा। और असाधन सर्वता ने पर साधन की सिद्धि हो जाती है, असाधन हटते ही। तो साधक वही है जिसका निरंतर साधन हो रहा है, निरंतर वो अहंता बदल जाती है, अंता बदल करके दुर्गुण दुराचार नष्ट हो जाते हैं, सब सदगुण सदाचार स्वतः आते रहते हैं। साधक के द्वारा साधनों का प्रकाश होता है, औरों को भी साधन मिलता है, दूसरे असाधक भी साधक बन जाते हैं, उन पर ऐसा असर पड़ता है। स्वाभाविक साधक के पास रहने वालों में साधन आ जाता है, नहीं आता है तो साधक असली संग नहीं करता, अथवा उसे अच्छे साधक मिले ही नहीं है। साधक मिल जाए तो दूसरा साधन बन जाएगा। संतों की दीवान सुनी है कि संतों का संग होने से संत हो जाता है, महात्मा का संग होने से महात्मा हो जाता है, तत्व क्या संग होने से तत्व क्यों होता है। उपनिषदों में आता है उसमें कुल में अज्ञानी होता ही नहीं,
ज्ञानी के कुल में अज्ञान होता ही नहीं, तो उसका संग इतना विलक्षण है कि स्वाभाविक लोगों को संग में लगाता है, सत्संग में लगा देता है, अच्छे साधना में लगा देता है। तो वो तभी होता है जब उसमें असाधन नहीं रहता है, असाधन रहता है तो वो सबके ऊपर साधन का असर पड़े वो नहीं पड़ता है, साधन के साथ असाधन का साधन वो संपूर्ण देता है। उस सबका इतना जल्दी कल्याण नहीं होता, क्योंकि साधन असाधन दोनों साथ रहते हैं, दोनों साथ सबके हैं। कोई भी ऐसा आपको आदमी नहीं मिलेगा कि जिसके साधन कुछ है ही नहीं, स्नान करके भोजन करता है, कोई मंदिर में दर्शन करके भोजन करता है, कोई भोजन करता है तो पंच दृष्टाल कर ही करता है, कुछ न कुछ तो अशुभ कर्म करता है वो, तो अशुभ से रहित तो कोई हो ही नहीं सकता है, अशुभ से रहित हो सकते हैं, शुभ से रहित नहीं होते, साधन से रहित नहीं होते, असाधन से रहित हो सकता है, मानो कोरा कोरा असाधन रहता कोई हो ही नहीं सकता, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी सब समय में नहीं होता, सबके साथ वो नहीं होता, कैसे होगा बताओ, सबके लिए कैसे होगा, हिंसा करता है, हत्या करता है, कसाई है, वो अपनी स्त्री और बच्चों को थोड़ी मारता है, सब जगह नहीं चलते, असाधन सांगपांग होता ही नहीं, क्योंकि असाधन के तो भीतर जड़ नहीं है, साधन के तो भीतर जड़ है, परमात्मा है, इस वजह से देवी संपत्ति का देव नाम परमात्मा का है, देवताओं का नाम नहीं है, ऐसा आत्म संपत्ति असुरों का नाम नहीं है, पिंड पान प्रश्न है, अपने इंद्रियों को तृप्त करना तो उसका नाम असुर है। इस वास्ते देवी संपत्ति विमोक्ष है, तो देवी संपत्ति शुद्ध है वो रह सकती है, आत्म संपत्ति कोरी रह नहीं सकती, इसकी तक नहीं है, क्यों असत है उससे सत को बल मिलता है, असत के लिए असत के लिए सत की जरूरत है, पर सत के लिए असत की जरूरत नहीं है, असत बोलने वाले कहते वो सच बोलते हैं, देखो सच और सच बोलने नहीं कहते वो झूठ बोलते हैं, मालूम झूठ के सहारे की जरूरत है और सत्य के सहारे की जरूरत नहीं है, सत है जो सत परमात्मा से है, देवी संपत्ति है देव नाम परमात्मा, तो परमात्मा से उसमें दोष कैसे रहेगा, या आसुरी संपत्ति उसमें गुण कैसे रहेगा, तो साधन करते हुए असाधन का अंश है उसको मिटाना है, और असाधन तो केवल रह ही नहीं सकता, कोई नहीं सकता, दोष के साथ में किसी का भी अखंड संबंध नहीं हो सकता, किसी दोषी के साथ चोरी करता है तो घर में थोड़ी करता है चोरी, और निरंतर उसका दोष के साथ समझ नहीं रहता, और गुण के साथ रहता अस्त है, नहीं करेंगे किसी की चीज उठाएंगे नहीं तो उसको रह जाएगा, इस वास्ते साधन निरंतर होना चाहिए, साधन में अंतर नहीं पड़ना चाहिए, तभी साधन की सिद्धि होगी, असाधन सहते रहते हैं, व्यवहार में करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, अब सिद्धि नहीं होगी, व्यवहार में होता ही व्यवहार करना ही पड़ता है, सब गृहस्थ में बैठे हैं लोगों में रहते हैं कैसे नहीं करें बताओ, तो साधन की सिद्धि नहीं होती, ऐसे ही असाधन साधन में जीवन भी ज्यादा है, तो किसी साधन की मात्रा ज्यादा है, असाधन की मात्रा ज्यादा है, पर साधक नहीं हुए, साधक हुए हैं असाधन जिसमें न रहे, खटकता है वो रहता चुभता है रहता नहीं, सत्य ही स्वाभाविक ही साधन पराने के साथ असाधन नहीं रहता, इस वास्ते बड़ी सावधानी से ख्याल रखना का असाधन न आ जाए, असाधन है वो खतरनाक है, जन मनुष्य कारण गुण संगो से सद असद्यो ने सो असद जन्म में असत का संकार है, तो गुणों का असत रहता गुणों के संग से असाधन पुष्ट होते हैं, तो साधक तो सब सात्विक होता है पर तो उसका संबंध निर्गुण के साथ में गुणों से ऊंचा है वह संबंध है, तो देवी संपत्ति साधन विमोक्ष है वो
कल्याण के लिए आ रही है, आत्म संपत्ति वहां नहीं है। आत्म संपत्ति है वहां साधन नहीं है। थोड़ी देर साधन कर दिया, थोड़ी कर दिया, सोच अच्छी बात है, जितना किया उतना लाभ है, परंतु साधक नहीं है। इस वास्ते साधकों को ये होशियारी रखनी है, सावधानी रहनी है, हरदम अपने असाधन में आ जाए। किसी तरह का असाधन आ गया तो गलती हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा। इस बार दोष सह नहीं सकते। असली साधक होते हैं वे दोष सह नहीं सकते, दोष सही नहीं है तभी दोष मिटते हैं। और दोषों से रस मिलता है, दोषों को ठीक समझते हैं, उससे दोष मिटेंगे नहीं, उससे दोष रहेंगे। दोषों से भी रस मिलता है। कोई हमारे को कड़वी बात कहे तो दो चार कड़वी कहे तो संतोष होता है, वो रस मिलता है। कड़वे एक बार कहे दो चार बार कहूंगा उसमें रस मिलता है। दोषों में दोष भी ठहरा है तो रस के कारण ठहरा है, राग है तो रस के कारण है, द्वेष है तो रस के कारण है। प्रेम नहीं होता, प्रेम है तो सही, प्रेम कहीं गुस्से के साथ कर दिया, कहीं धन के साथ कर दिया, कहीं भोगों के साथ कर दिया, कहीं कुटुंबियों के साथ कर दिया, तो कुटुंबियों के साथ प्रेम किया वो राग होता है, उससे मोह बढ़ता है। वस्तुओं के साथ राग करने से उसे दोष बढ़ते हैं, वस्तुओं का राग होने से दोष बढ़ते हैं। अथ के न प्रेतम पापन सती भगवान काम है सबको देशो कामना को, कामना खुद ही क्रोध बन जाती है, अभ्यूर बन करके नाश कर देते हैं। इस वास्ते कामना से रहित होगा भगवान के चरणों में प्रेम करें, भगवान को याद करें, परंतु संसार की याद न करें। व्यर्थ ज्यादा हो जाए चंद्र व्यर्थ, व्यर्थ चिंतन न हो ऐसी चेष्टा रखे, सावधानी चेष्टा है। दूसरा शरीर से अपना अलग हो जाए, ये अनुभव हो जाए तो फिर दुर्गुण रास्ता चल जाते हैं। देहाभिमानी ही सर्वे दोषा प्रारब्ध होती, देहाभिमानी है उसके सब दोष प्रारब्ध होते हैं। क्यों? जड़ का संबंध है ना, जड़ के संबंध जड़ता ही आवेगी, तो बुद्धि में जड़ता आ जाती है, तो होना चाहता है। अवगुण क्या है? गुणों की कमी है। अवगुण क्या? गुणों की कमी। क्रूरता क्या है? दया की कमी। जितनी क्रूरता ज्यादा उतनी दया कम है, दया ज्यादा बढ़ जाएगी क्रूरता हट जाएगी। ऐसा ही शास्त्रों का नियम है, सर्वथा दुर्गुण दुराचार अपने पर, सर्वगुण सदाचार के लिए मेहनत करनी नहीं पड़ती, निर्माण करना नहीं पड़ता, बनाना नहीं पड़ता। सत्संग सत्व तत्व है वो बनाना सही पड़ता है। पदार्थ ही पैदा होते हैं नष्ट होते हैं, एक वस्तु में बात नष्ट हो रही पैदा होती है, और बीज तो नया करा है। आप इधर बैठे हैं, इसमें कोई विचार करे कि मेरे में असाधनी झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात यही ये है, सच्चाई है ही नहीं कहीं, ऐसा किसी भी बात में बोल बात कहे पे सर्वथा दोष रह नहीं सकते। असत है, असत में सत में ताकत ठहर रहे कहीं तो वो कहां ठहर गए, सभी दोष ठीक नहीं रहते। शासन करते समय भीतर में असाधन पनपता है, असाधन पनपता बात कही नहीं पहले, वो तो तब बनता है साधन का अभिमान होता है। साधन का अभिमान है वो असाधन और पैदा करेगा, अभाव है ना, अभाव तो अभाव वृत्ति है, वो कोई भी अभाव फैल जाएगा तो असाधन और असाधन जुटाएगा। एक व्यसन नहीं थे, एक दूसरे व्यसन और लगेगा, और अपना व्यसन केवल उसी का आएगा। ऐसे सत्संग एक सच्ची बात है, वो स्वयं भी सच्चा है और वो भी सच्चा बनाता है, और उस साधन समुदाय से उसका स्नेह होता है, तो और भी उनका संग करे तो उनका भी साधन स्नेह हो जाएगा। साधक से साधन बिना रहा नहीं जाता है।
साधक बिना साधक क्या, साधक होने से जो साधन है तो साधन साधन के पास वो साधन रहता ही है, असाधन नहीं रहता है। असाधन की जाति एकता नहीं है, इस वक्त को नहीं तो भागता है। आदमियों के साथ भी जहाँ साधक रहते हैं, एक असाधक रहेगा तो क्या तो कुछ असाधक बना लेगा, नहीं तो वो टिक नहीं सकेगा। घूसखोर आदमियों के बीच में बिना घूसखोर आदमी नहीं चलता, और बिना घूसखोर के पास में घूसखोर आ जाता है तो वो निकल जाता है। वो निकलता ही वो ही नहीं, उनके बीच में घूसखोरी निकल जाती है। जो त्यागी है संत उनके पास होने से घूसखोरी निकल जाती है। सत का संग असर होता है, संग सदाचार ये सत है, असद असत है। नारायण 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 नारायण।